हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बताएंगे हम आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, सेम पैटर्न रहता है इसका, और इनके जो नोट्स हैं वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन नर्सिंग, एक्सप्लेन रोल एंड फंक्शन ऑफ द नर्स। नर्सिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू INC एंड इसके रोल एंड फंक्शन एक ही होते हैं, वो आपको लिखने होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिफाइन हॉस्पिटल्स, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं एंड फंक्शन क्या होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ये भी इसके जो नोट्स वीडियो है वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। थर्ड है एक्सप्लेन फिजिकल एग्जामिनेशन, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। ये शॉर्ट जो क्वेश्चन बनते हैं आपका 8 नंबर का, उसके अंदर पूछा जा सकता है फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है और इसके मेथड कौन कौन से होते हैं, जैसे परकशन, आस्कल्टेशन जो होते हैं, ऑब्जर्वेशन वो। फोर्थ क्वेश्चन जो बनता है, डिफाइन एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस इन हॉस्पिटल, टाइप ऑफ डिस्चार्ज इन हॉस्पिटल। जो प्रोसेस होती है एडमिशन एंड डिस्चार्ज की, उसको एक्सप्लेन करना है एंड टाइप्स जो होते हैं डिस्चार्ज, जैसे कि लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, जो डिस्चार्ज होता है उस ऐसे टाइप्स होते हैं इसके हॉस्पिटल में, वो उसके अंदर लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर का बन सकता है, एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां, एक्सप्लेन इन फुल डिटेल्स वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या होते हैं, जैसे टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन एंड पल्स के बारे में आपको लिखना होता है। पल्स की साइट्स कितनी होती है, क्या होती नॉर्मल रेंज, ब्लड प्रेशर कितना होता है, क्या नॉर्मल रेंज होती है, टेम्परेचर क्या होते हैं नॉर्मल रेंज, वो लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन कंफर्ट डिवाइस एंड कंफर्ट पोजीशन। कंफर्ट डिवाइस कौन से होते हैं और कंफर्ट पोजीशन कौन सी होती है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, डिफाइन नर्स एंड कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। जो कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं, नैतिक सिद्धांत, उनके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन 15 नंबर का बन सकता है, कोड ऑफ एथिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, व्हाट यू मीन बाय CPR, कार्डियो पर्मनरी रिसक्सिटेशन क्या होता है, उसके बारे में लिखना। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन इन्फेक्शन, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या है और इसके टाइप्स कौन से होते हैं, उसके बारे में लिखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन बैरियर ऑफ नर्सिंग। जो बैरियर ऑफ नर्सिंग जो होते हैं उसके बारे में लिखना है। इन सभी के नोट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आपको कहीं से भी अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ पेपर्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 11वां क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, कौन से डिब्बे में कौन सी जो वेस्ट है उसको डाला जाता है, जैसे रेट में रबड़ वगैरह वेस्ट डाले जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां, 12th, 5R, 5R कौन से होते हैं, राइट्स होते हैं, राइट ड्रग, राइट पेशेंट्स, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट टाइम, राइट डोज वो से, और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में लिखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज हेल्थ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ। हेल्थ क्या होती है, इसकी डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ क्या होता है, उसके बारे में लिखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन इन नर्सिंग। जो हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं, उनके बारे में लिखना। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में बनता है 8 नंबर के अंदर, आपके इसके क्वेश्चन पेपर अपलोड
हो जाएंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां, डिफाइन बर्न, टाइप्स ऑफ बर्न एंड मैनेजमेंट ऑफ बर्न, जो बर्निंग जो होते हैं उसके बारे में लिखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16वां, व्हाट इज फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होता है एंड गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। गोल्डन रूल्स और फर्स्ट एड के ऊपर वीडियो बना रखी है, उसके अंदर आपको बता रखे हैं गोल्डन रूल्स क्या होते हैं उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17वां, व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है एंड स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस कौन कौन सी होती है, असिस्मेंट डायग्नोस, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रेशन एंड एवोल्यूशन, और नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो भी अवेलेबल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां, डिफाइन बेड शोर, रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग बेड शोर, बेड शोर क्या होते हैं और जो होता है बेड शोर उसमें नर्स की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में लिखना। ये भी 15 नंबर का क्वेश्चंस होता है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चंस, और इन सभी के नोट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ हम इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।